रशी बाजार है और यहाँ पर काफी सारा रश है। जिस जगह को देखने आए हैं वो है यहाँ पर मौजूद सुनहरी मस्जिद। गुंबद है ना, ये सोने के बनाए गए थे। अब रणजीत सिंह की हुकूमत हुई तो जैसे अमृतसर सारी चीजें ले गए, गुंबद का सोना भी जो है वो अमृतसर चला गया था। बहुत ही उम्दा और नफीस तरीके से बनाए गए हैं। आर्किटेक्चर है वो ब्लेंड है 3 types ऑफ आर्किटेक्चर का, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। भाई इस वक्त पहुंच गए हैं अंदरून लाहौर के कश्मीरी बाज़ार में। बहुत ही पुर रौनक और रशी बाज़ार है और यहां पर काफ़ी सारा रश है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन हम जिस जगह को देखने आए हैं वो है यहां पर मौजूद सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद बहुत ही तारीखी मस्जिद है। आपको पता है कि जो आखिरी मुग़ल शहनशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके गवर्नर जो डेप्टी गवर्नर थे लाहौर के, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। काफ़ी तारीखी मस्जिद है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पाई गई थी इसको बनाने में। यहाँ पर मौजूद जो सिख कम्युनिटी थी, उसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी थी, जो बिजनेसमैन थे, वो नहीं चाहते थे कि ये मस्जिद बने, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी रशी प्लेस है और अगर यहाँ पर मस्जिद बना दी जाती उस हिसाब से तो काफ़ी यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती, क्योंकि मस्जिद के नीचे जो है वो दुकानें भी मौजूद हैं। जो नवाब बुखारी थे, डेप्टी गवर्नर थे लाहौर के, उनको परेशानी हो गई कि मैं मस्जिद बनवाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर लोग बनवाने क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक हल सोचा, उन्होंने कहा कि जी देखें, इस मस्जिद के नीचे जो दुकानें बनाई जाएंगी उनका जो रेवेन्यू आएगा वो हम नहीं लेंगे, और दूसरे नंबर पर ये मस्जिद ऊपर बनाई जाएगी तो आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मामूलात बाज़ार के चलते रहेंगे और किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये सुनहरी मस्जिद, जिसे आजकल तलाई मस्जिद भी कहते हैं, मस्जिद बना दी गई और 1753 में ये मस्जिद मुकम्मल हो गई। लेकिन उसके 12 साल बाद ही यहाँ पर जो है सिखों की इन्वेजन शुरू हो गई, सिख कम्युनिटी की, और 1799 में रणजीत सिंह की यहाँ पर हुकूमत कायम हो गई। तो उसके बाद का तो आपको पता ही है कि जैसे ही रणजीत सिंह यहाँ पर आए तो यहाँ पर मस्जिद को गुरुद्वारों में तब्दील किया गया, घोड़े बांधे गए और मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़, जिस तरह से बेगम शाही मस्जिद में बारूद खाना जो है वो बना दिया गया तो इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर भी इस मस्जिद को इस एक टेंपल में कन्वर्ट कर दिया गया, ये कह कर के यहाँ पर जो है अजान की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। गुरुद्वारा बनाया गया जिसको कहा गया कि ये छोटा सुनहरी गुरुद्वारा है, तो इसको छोटे सुनहरी गुरुद्वारे के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया और सिखों की इबादतगाह बन गई और यहाँ पर गुरु ग्रंथ जो है वो जारी हो गए। तो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ और मस्जिद को भी दिखाता हूँ। भाई ऊपर चढ़ रहे हैं, 16 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है और 11 फीट बुलंद चबूतरे पर हम जा रहे हैं और इसकी खूबसूरती मस्जिद की को देखते हैं और आपको भी खूबसूरती इसकी दिखाते हैं और इसके बारे में मज़ीद हिस्ट्री बताते हैं। तो आ जाएं जल्दी से पहुँचें। पहुँच गए हैं यार, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉस्क यार। आपको बताऊं कि इसके जो सुनहरी जो गुंबद है ना, ये सोने के बनाए गए थे लेकिन बाद में जब रणजीत सिंह की हुकूमत हुई तो जैसे अमृतसर सारी चीज़ें ले गए तो इसके गुंबद का सोना भी जो है वो अमृतसर चला गया था। लेकिन इसको रिस्टोर किया गया है 2011 के रिस्टोरेशन में। तो अंदर चलते हैं, खूबसूरत मस्जिद है, साथ में देखते हैं। सदी 1820 में जब महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत अरूज पर थी तो तब उनके वजीर खारिजा फ़कीर अजीज़ुद्दीन ने उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें काफ़ी रंजो गम पाया जाता है, तो आपको चाहिए कि जो यहाँ पर लाहौर की मसाजिद हैं उनको मुसलमानों के हवाले कर दें। इस पर राजा रणजीत सिंह ने काफ़ी गौर व फिक्र किया और उसके बाद फैसला किया कि ये मसाजिद जो हैं वो मुसलमानों के हवाले कर दी जाएँ। उस पर महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कुछ शरायत रखी जिनमें
शर्त ये थी कि अजान की जो आवाज़ है उसको बहुत ही कम रखा जाएगा, और उसके अलावा इसके नीचे जो दुकानें हैं उनका किराया भी हुकूमत को जाएगा, ना कि मस्जिद के काम के लिए लगाया जाएगा। बहुत मज़ा आया यार, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, हालांकि अंदरून शहर है और कंजेस्टेड एरिया है, नीचे दुकानें हैं, चबूतरा है। और एक चीज़ मुझे ये तंग कर रही है, ये ऊपर जो ग्रीन कलर का ये पर्दा डाला हुआ है, और मस्जिद की खूबसूरती भी अच्छे से सामने से नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो भी है बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और एक अपने वक्त का एक खूबसूरत तरीन शाहकार है, संगमरमर और इस तरह के मटेरियल से बनाया गया है। अंदर चलते हैं, खूबसूरती देखते हैं, इंजॉय करते हैं और आपको भी अपने साथ रखते हैं। जी तो अब मैं आ गया हूँ मस्जिद के अंदरूनी मरकज़ी हॉल में, जो कि तीन गुंबदों के नीचे मौजूद है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को वर्क किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो फूलों की काशीकारी की गई है, और दीवारें और मेहराब बहुत ही उम्दा और नफीस तरीके से बनाए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो ब्लेंड है 3 types ऑफ आर्किटेक्चर का, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख, 3 किस्म के आर्किटेक्चर्स इसमें ब्लेंड किए गए हैं, और ये 3 आर्किटेक्चर का शाहकार है। इसमें वाइट मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद इसमें जो मुगलिया दौर में जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते थे उसी मटेरियल से इसको तैयार किया गया है। तो इसकी बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं जो कि बाहर मौजूद हैं, तो आ जाएँ मेरे साथ। मस्जिद की जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये इसकी रेनोवेशन की गई थी 2011 में, और वो जो रेनोवेशन है $35,000 से की गई थी, और वो रकम जो है यूनाइटेड स्टेट के इदारे ने पे की थी, जो कि तारीखी इमारत को रिज़र्व करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर नमाजी जो है वो आते हैं 12 बजे दिन को, ये मस्जिद जो है वो खुल जाती है, और रात 9 बजे तक ये मस्जिद खुली रहती है टूरिस्ट के लिए भी और नमाजियों के लिए भी, जो भी यहाँ पर आना चाहे आ सकता है। फिलवक्त हम यहाँ से चलते हैं आपकी इजाज़त के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।